दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पुराने रिवाज आज भी जिंदा है। गांव का नाम था सुनहरी और यहां एक पुराना मंदिर था, माँ काली का मंदिर। कहते हैं यहां रात को कोई नहीं जाता था, क्योंकि यहां एक प्यासी आत्मा भटकती थी। कहानी शुरू होती है राजू से, जो शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया था। उसकी दादी ने उसे मंदिर की कहानियां सुनाई। राजू को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने सोचा रात को मंदिर जाकर सच पता लगाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, राजू चुपके से मंदिर की तरफ चला गया। रात थी, चांद निकला था। मंदिर के पास ठंडक बढ़ गई, चारों तरफ अंधेरा था। राजू डरते डरते मंदिर के अंदर गया। अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे बहुत दिनों से दिया जल रहा हो। अचानक उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। परछाई उसके पास आने लगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस मंदिर की पुजारिन थी। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहाँ प्यासी रह गई है। मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ। राजू ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने कहा, मुझे पानी पिलाओ और मेरा अंतिम संस्कार करवाओ, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राजू ने मंदिर से पानी लाकर उस आत्मा को पिलाया, फिर पंडित जी को बुलाकर अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, आत्मा गायब हो गई और शांति छा गई। अगले दिन राजू ने दादी को सब बताया। दादी ने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब इस मंदिर में कोई भूत प्रेत नहीं है। सभी ने राजू की बात मानी और माँ काली का मंदिर फिर से खुल गया। राजू के साहस ने एक प्यासी आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव को नई जिंदगी दी।